so welcome dear students and hope that your preparation is going great so today we will discuss the most important questions of organic chemistry that's actually your 8th chapter in your syllabus that is organic chemistry some basic principles and techniques तो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके अलेवन मार्क्स है और यहां से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन है is, देखो ये आपका हॉट्स पूछा जा सकता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा इसको आप नोट डाउन करेंगे ठीक है आपको बताना है कि अल्काइल ग्रुप जब भी अटैचड होगा किसी भी पाई सिस्टम ठीक है ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होगा तो वो क्यों एक्ट करता है एज योअर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा सो लेट्स चेक इट आउट देखो एक्चुअली क्या है जब भी अल्काइल ग्रुप जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ये मैंने प्रोपीन लिया है सी एच थ्री उसके बाद सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू प्रोपीन है ये तो यहां पे ये जो अल्काइल ग्रुप है मिथाइल ग्रुप ये पाई बॉन्ड के साथ यहाँ पे अटैचड है पाई सिस्टम के साथ अटैचड है तो ये अल्काइल ग्रुप जो है इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है जो हम बताएंगे कि ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है पर यहाँ पे एक्चुअली क्या है ये एक्ट करता है एज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुकेशन यहाँ पे प्लस एच इफेक्ट होगा दैट्स योर पॉजिटिव हाइपर कंजुकेशन इफेक्ट ठीक है इसको आप याद रखेंगे प्लस एच इफेक्ट जैसे इससे पहले आपने पढ़ा होगा क्लास के अंदर प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट है ना प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट सिमिलरली नेगेटिव तो यहां पे जो है हाइपर कंजुगेशन होगा देखो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा शिफ्ट यहां पे होगा दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे यहां पर यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा जो आप देख सकते हैं और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है शिफ्ट होकर इस कार्बन पे आ जाएंगे एज योर नेगेटिव चार्ज ठीक है तो इनको कहा जाता है हाइपर कंजुकेटिव स्ट्रक्चर्स तो ये जो हाइपर कंजुगेशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इट्स आल्सो नोन एज बेकर नथन इफेक्ट इसको आप याद रखेंगे ये इन्होंने ही दिया था आप याद रखेंगे इसको इसको कहा जाता है बेकर नथन इफेक्ट ठीक है या इट्स आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रिजोनेंस इसका एक और नाम भी है जो आप यहाँ पे याद रखेंगे इट्स आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रिजोनेंस क्यों कहा जाता है नो बॉन्ड रिजोनेंस ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए अब यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं रहा ठीक है जैसे लग रहा है कि कोई भी बॉन्ड नहीं है एक्चुअली यहाँ पे ये जो एच पॉजिटिव है ये फिर भी अट्रैक्टेड होता है इस एनायन के साथ जो यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं ठीक है तो दैट मीनस इसको हम नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कह सकते हैं बेकरनथन इफेक्ट भी कहा जाता है और पॉजिटिव हाइपर कैंजुकेशन इफेक्ट है ये ठीक है तो इसकी वजह से ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जो है ये एक्ट करता है एज यूर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बाकी इसके ऊपर कोई भी लॉन पेयर नहीं है फिर भी ये एक्ट करता है एज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बिकॉज ऑफ दिस हाइपर कंजुकेशन इफेक्ट तो इंपॉर्टेंट रहेगा हाइपर कैंककेशन ये यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है टॉलिन इसकी एप्लीकेशन जो है इम्पॉर्टेंस जो है वो एग्जाम में पूछी जाएगी इंपॉर्टेंट रहेगा देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है हाइपर कंजुगेशन की हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट है तो देखो इसकी एप्लीकेशन जो है वो ये है दैट यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है जब ये अटैच्ड होगा टू तो दिस बेंजीन तो यहां पे अल्काइल ग्रुप जो आपका है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर दिखाता है अब उसका क्या मतलब है देखो यहाँ पे ये सी एच थ्री जो है अल्काइल ग्रुप ये इस पाई सिस्टम के साथ अटैचड है तो ये दो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे उसके बाद ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे तो रिजोनेंस होगा जिसको आप नो बॉन्ड रिजोनेंस कहते हैं ठीक है तो यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज होगी और यहाँ पर एच पॉजिटिव ठीक है अब देखो इसकी वजह से क्या हुआ ये जो पोजिशन है एक्चुअली वन टू पोजिशन इसको हम ऑर्थो पोजिशन कहते हैं तो ऑर्थो पोजिशन पर क्या चार्ज आ गई नेगेटिव चार्ज ठीक है ना उसके बाद ये देखो वन फोर पोजिशन वन फोर पोजीशन दैट इज़ योर पैरा पोजिशन तो पैरापोजिशन पे भी नेगेटिव चार्ज आ गई ठीक है बाकी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे खुद दिखा सकते हैं ना कैसे ये नेगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट होगी ठीक है और ये जो दो पा इलेक्ट्रॉन्स है ये इस कार्बन पे आ जाएंगे ठीक है तो, तो दैट मीनस ऑर्थो और पैरा पैरापोजिशन पर नेगेटिव चार्ज आ गई तो जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे अटैक करेगा इसी ऑर्थो ऑर्थोपोजिशन पे और इस पैरा पैरापोजिशन पे दैट इज वाई दो प्रोडक्ट्स हमेशा बनते हैं जो आप नेक्स्ट जो आगे यूनिट है हाइड्रोकार्बन उसमें हम ये पढ़ते हैं डायरेक्ट इंफ्लुएंस ठीक है ना तो जितना जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एलेक्ट्रोफिलिक्सटीट्यूशन रिएक्शन होंगे वो ऑर्थो और पैरा पैरापोजिशन पे होंगे दैट यू विल गेट द टू प्रोडक्ट्स वन इज यूर ऑर्थो एंड अदर इज यूर पैरा प्रोडक्ट ठीक है ना तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ठीक है मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप वैन इट्स अटैच टू अर है ना बेनजीन सिस्टम जब भी होगा तो वहां पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ये दिखाता है अल्काइल ग्रुप तो ये हम हाइपर कंजुगेशन अफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है क्यों दो प्रोडक्ट्स बनते हैं नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये है दैट वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन्स देखो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत सारे अल्कीन्स आपको दिए जाएंगे और आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ अल्किन्स आपको दिए हैं ठीक है अल्किन्स यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तो आप सिंपली याद रखेंगे कि जिस अल्कीन के अंदर नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजनज जिसमें ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ऐसा क्यों है क्योंकि उसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा वहां पे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे जैसे यहां पे आप देख सकते हैं देखो ये डबल बॉडेड कार्बन है यहां पे ठीक है इसके साथ जो ये कार्बन अटैच है यहां पे ये सी एच थ्री हमीथाइल तो इसको हम अल्फ़ा कार्बन कहें कहते हैं ठीक है और इसके साथ जो तीन हाइड्रोजन है वो आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो दैट मीन्स यहां पर थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन एंड थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यही होगा इनमें से आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे थ्री है ना अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी तीन है ठीक है और यहाँ पे भी तीन है और यहाँ पे ये यह H है ये आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ठीक है अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जो अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैचड होंगे यहाँ तो कोई अल्फा कार्बन नहीं है ठीक है ये डायरेक्टली हाइड्रोजन जो आपका है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैचड है तो दैट मीन्स यहाँ पे आपके नाइन अल्फ़ा हाइड्रोजन है ठीक है अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल अल्किन पे देख लो यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन ये तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो है तो दैट मीनस थ्री एंड थ्री सिक्स अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है सिक्स अल्फा हाइड्रोजन ठीक है और उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है ठीक है क्योंकि यहां पे ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन दिस इज आल्सो योर अल्फा कार्बन अब यहां पे देख लो ये भी अल्फा कार्बन एंड दिस इज आल्सो सो यहाँ पे भी सिक्स अल्फ़ा हाइड्रोजन है ठीक है अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है ठीक है तो इनमें आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तो कैसे बताएंगे सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसी में है ट्वेल्व तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा होगा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे अब उसके बाद देख लो नाइन अल्फा हाइड्रोजन है, है यहाँ पे सिक्स है तो ये इसके बाद आ जाएगा ठीक है अब उसके बाद

है ना यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा इंथेलपी ऑफ हाइड्रोजनेशन आप सिंपली याद रखेंगे जिसकी इंथेलपी ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो वो देखा गया कि ट्रांस जो है ये इससे ज्यादा स्टेबल होता है दिस वन अल्किन से और उसके बाद ये ज्यादा स्टेबल होता है सिस से ठीक है ना आप सिंपली याद रखेंगे जो आपका ट्रांस अल्किन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है यूजली किससे सिस से ठीक है यह आपका सिस है ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स है आपने पढ़े हैं ये ठीक है उसके बाद सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा जिसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है अब यहाँ पे अगर मैं एक और अल्किन बनाता हूँ, हूं जस्ट यूर दिस वन सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टूटर इथीन इथिन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है जीरो अल्फा हाइड्रोजन तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी इसको आप नोट no डाउन करेंगे ये सबसे लीस्ट स्टेबल अल्कीन होगा तो ये हाइपर कंजुगेशन से हम एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा है ना इस बात को आप याद रखेंगे मैं यहाँ पे इस पॉइंट को नोट no डाउन करवा रहा हूँ दैट स्टेबिलिटी जो है अल्किन्स की स्टेबिलिटी ऑफ अल्किकीन इट इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू इंथेलपी ऑफ हाइड्रोजनेशन इस बात को आप सभी नोट no डाउन करेंगे इंथेलपी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये इंथेलपी ऑफ हाइड्रोजनेशन इंथेलपी ऑफ हाइड्रोजनेशन जिसकी एंथेलपी ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी उसकी स्टेबिलिटी जो है अल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो ये इंथेलपी ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको किसी वगैरह दिया जाता है तो आपको सिंपली देखना है जिसका एंथेलपी ऑफ हाइड्रोजनेशन अल्किन का कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा अब इंथेलपी ऑफ़ हाइड्रोजनेशन क्या होता है इट सिंपली द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज ठीक है ना अमाउंट ऑफ इट इज़ द एंथेल्पी चेंज वैन वन मोल ऑफ अल्किन गेट्स हाइड्रोजनेटेड ठीक है ना आपके पास अल्कि जो है उसको हम हाइड्रोजनेशन uh, करवाते हैं हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं ठीक है तो वहां पे कितनी एंथेल्पी चेंज होगी उसको हम एंथेल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं वैन वन मोल ऑफ अल्कि्किन गेट इस हाइड्रोजनेटेड ठीक है इसको आप याद रख सकते हैं तो नेक्स्ट बात जो है इस हाइपर कंजुगेशन से आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं यू कैन आल्सो एक्सप्लेन शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्डलेंग इसको आप नोट no डाउन करेंगे दैट इज ये इसकी एप्लीकेशन हम देख रहे हैं हाइपर कंजुगेशन की ठीक है यहां पे ही इसको हम देख रहे हैं डिटेल में शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंग्थ देखो बॉन्ड लेंगत जो है वो कम होती है ड्यू टू दिस हाइपर कंजुकेशन वो आपने कहाँ से देखा जैसे अभी आपने जो प्रोपीन देखा था ठीक है ये अगर आपके पास प्रोपीन है ठीक है यहाँ पे ये मिथाइल है ठीक है तो मुझे बताओ लेट्स से ये आपका है कार्बन नंबर वन ठीक है ना नंबरिंग अगर आप करेंगे तो वन टू थ्री अब मुझे बताओ देखो कार्बन टू एंड थ्री के दरमियान जो बॉन्ड है सी टू सी थ्री है ना ये जो आप देख रहे हैं सी टू सी थ्री देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंग्थ कितनी होती है वन फिफ्टी फोर पिकोमीटर होती है ठीक है ना हर एक को याद होना चाहिए अब मुझे बताओ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंग्थ कितनी होती है इसकी बॉन्ड लेंग्थ होती है वन थर्टी फोर पिकोमीटर ठीक है अब यहाँ पे जब हम सी टू सी थ्री देखते हैं ये तो कौन सा बॉन्ड है सी टू सी थ्री जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो कितना होना चाहिए था होना चाहिए था 154 पिकोमीटर पर ये होता है आपका 149 पिकोमीटर तो दैट मीनस लेस देन दिस है ना इससे कम है क्यों कम ये शॉर्ट क्यों हुआ ड्यू टू तो हाइपर कंजुकेशन क्योंकि अभी आपने देखा हाइपर कंजुकेशन की वजह से क्या होता है यहाँ पर ये जो बॉन्ड था देखो ये कार्बन नंबर वन है दिस इज टू दिस इज़ कार्बन नंबर थ्री यहाँ पर कार्बन नंबर टू और थ्री के दरमियान अब क्या आया डबल बॉन्ड सो ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड करेक्टर बॉन्ड लैंग्थ डिक्रीज होता है ठीक है देर इज शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंगत तो इसको आप याद रखेंगे जब भी uh, ऐसा बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विच इज जस्ट एडज टू दिस पाई बॉन्ड तो वहां पे शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंगत होती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रहेंगे हाइपर कंजुगेशन की तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखी दैट इज दिस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप वैन इट्स अटैक ठीक है पाइप uh, सिस्टम के साथ जब ये अटैचड होगा नेक्स्ट हमने देखा दैट uh, की स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद हमने देखा दैट वी कैन आल्सो एक्सप्लेन शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड बॉन्डलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास दैट इज व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स ठीक है ना इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है तो ये आपको आना चाहिए देखो सिंपली आप याद रखेंगे इलेक्ट्रोफाइल जो आपका होता है इसको हम यूजुअली किससे दिखाते हैं ई पॉजिटिव से दिखाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है देखो इलेक्ट्रोफाइल जो आपका होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट सिंपली एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट स्पीशीज़ विल एक्ट एज योर इलेक्ट्रोफाइल कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट का मतलब जिसमें ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे एट इलेक्ट्रॉन से कम होंगे जैसे सेवन इलेक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन ठीक है और ये जो होते हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल्स ये यूजुअली होते हैं पॉजिटिवली चार्ज ठीक है ना और ये एक्ट करेंगे एज यूर लिविस एसिड आप ये नोट no डाउन करेंगे दैट दे एक्ट एज यूर लिविस एसिड क्योंकि लिविस एसिड जो होते हैं किनको हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या करेंगे ये तो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ये इसलिए लिविस एसिड्स होते हैं तो, है। तो आप नोट no डाउन करेंगे दैट दीज इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं ये आपके पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं ठीक है न्यूट्रल भी हो सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं न्यूट्रल भी होते हैं ठीक है पर कैसे होने चाहिए बट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट अगर कोई आपका पॉजिटिवली चार्ज है उसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है पर अगर न्यूट्रल होगा पर कैसा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट होना चाहिए ठीक है ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा जैसे कोई भी हेलाइड आपके पास है उस पर पॉजिटिव चार्ज है ठीक है जैसे सी एल पॉजिटिव है तो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा ठीक है जैसे आपके पास बी आर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल है किसी भी स्पीशीज़ के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है जैसे एच थ्री और पॉजिटिव जिसको आप हाइड्रोनियम आयन कहते हैं तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है ठीक है जैसे एन ओ टू पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल है ठीक है नाइट्रेशन के दौरान ये बनता है जैसे सी एच थ्री पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल है जैसे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में ये बनता है ठीक है जैसे आपके पास बी एफ थ्री न्यूट्रो मोलिकूल है बी एफ थ्री है ना इसमें जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स है छः ही इलेक्ट्रॉन है ना इसकी ट्राइगोनल प्लानर शेप होती है जस्ट लाइक दिस आप यहाँ पे देख सकते हैं बोरान जो है सेंट्रल एटम बोरान के पास सिर्फ छे ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी दो दैट इज़ फोर फोर एंड टू सिक्स तो सिक्स इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट है तो ये भी एक्ट करेगा एज यू आर एसिड सिमिलरली आपके पास है ई एल सी एल थ्री तो ये भी कैसा है लिविस एसिड है तो ये सभी इलेक्ट्रोफाइल्स है ये सभी इलेक्ट्रोफाइल्स है ठीक है हर एक को याद रहना चाहिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल और दे रहा हूँ जैसे एफ है ना इसके पास वैकेंडी ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट है तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है जैसे सल्फर ट्राई सल्फोनेशन के दौरान ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है एसो है ना ये हमने एम जो मैंने डिस्कस किए हैं उसमें भी मैंने ये बताया है सल्फर ट्राई सल्फोनेशन के दौरान ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है इसको आप नोट डाउन करेंगे ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है ठीक है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनडेफिशेंट है लिविस एसिड है अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आपको दी गई हैं और आपको पहचानना है कि कहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है जैसे ये जो रिएक्शन है यहाँ पे ये जो ओ एच है आपको बताना है ये क्या है क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है तो आंसर इज नो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है बताओ क्यों क्योंकि मैंने बताया इलेक्ट्रोफाइल आपका या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है ये तो नेगेटिवली चार्ज है सिमिलरली सी एन नेगेटिव इस पर भी नेगेटिव चार्ज है तो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है ठीक है और यहाँ पर आप देख लो इस स्पीशीज को सी एच थ्री सी डबल बॉन्डो पॉजिटिव तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है इसको आप नोट डाउन करेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये कौन सी रिएक्शन है दिस इज जस्ट यूर फ्रिडल क्राफ्ट एसैलेशन फ्रिडल क्राफ्ट एसैलेशन ठीक है ना आगे हम हाइड्रोकॉबन्स में देखेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एसैलेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी ठीक है तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आप किसको फिर बताएंगे देखो सिंपल है ना न्यूक्लियोफाइल जो है इसका ऑपोजिट जब आपने इलेक्ट्रोफाइल को समझा तो न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा न्यूक्लियोफाइल विल बी जस्ट योअर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो कैसा होगा लिवस बेस होगा ना लिविस बेस होगा क्योंकि लिविस बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं तो ये कैसे होंगे फिर ये नेगेटिवली चार्ज होंगे अगर नेगेटिवली नहीं हो सकते हैं तो ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं ना न्यूट्रल हो, होंगे ठीक है पर न्यूट्रल जो है इन पे कम से कम एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए ठीक है जैसे आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं देखो कोई भी अगर आपके पास हैलाइड है उस पर नेगेटिव चार्ज है देखो यहाँ पे आपने क्या देखा सी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है अगर इसी सी पे नेगेटिव चार्ज होगी तो ये आपका न्यूक्लियो है अगर बी पे नेगेटिव चार्ज है तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है ठीक है ना तो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए जैसे आपके पास है वो और नेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो कैसा है न्यूक्लियोफाइल है ना सिमिलरली एच एस निगेटिव ठीक है तो न्यूक्लियोफाइल होगा सिमिलरली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है जैसे आपके पास वाटर है एच टू ओ देखो वाटर में ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है तो ये न्यूट्रल है पर लोन पेयर अवेलेबल है ये डोनेट कर सकता है तो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है अमोनिया जो है नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा ठीक है अल्कोहल जो है और ओ एच यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है लोन पेयर होता है तो ये भी आपका एक्ट कर सकता है एज योर न्यूक्लियोफाइल ठीक है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए आपको आना चाहिए ये बताना कि कहां पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है अब मुझे ये बताओ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो आपके हैं ये किस फिशन से बनते हैं किस क्लीवेज से बनते हैं देखो दो तरह की होती है एक होती है होमोलिटिक क्लीवेज ठीक है ना होमोलिटिक फिशन जो है उससे हमेशा बनते हैं फ्री रेडिकल्स ठीक है होमोलिटिक से हमेशा क्या बनते हैं ये हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया है फ्री रेडिकल बनता है किससे होमोलिटिक फिशन से होमोलिटिक लिवेज से तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफायल हमेशा बन सकते हैं बाय हिटेरोटिक लिवेज इसको आप नोट डाउन करेंगे हिटेरोलिटिक से आपका इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है और हिटेरोटिक लिवेज से आपका न्यूक्लियोफायल बन सकता है ठीक है इंपॉर्टेंट रहेगा किसी वक्त ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दट इज जस्ट यूर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है दट इज यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवी इंडेक्टू एफेक्ट दैट्स आई एफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक एफेक्ट दैट्स ई एफेक्ट और उसके बाद आपको ये भी बताना है दैट विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लैन द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बॉक्सिलिक एसिड है ना तो ये भी आपका हॉट्स है ठीक है आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो देख लो क्वेश्चन नंबर थ्री जो आपका है यहाँ पे दिया गया है डिफरेंशिएट जब भी डिफरेंशिएट आएगा तो ऐसे आप लिखा करेंगे और ऐसे आपको याद भी रहेगा ठीक है और ऐसे ही लिखना होता है एग्जाम के अंदर देखो क्या लिखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये एक परमानेंट इफेक्ट है इसको आप याद रखेंगे परमानेंट इफेक्ट है इफेक्ट जो है टेम्परेरी इफेक्ट है ठीक है ये परमानेंट है पर ये टेम्प्रेरी है ये टेम्पोरी क्यों है क्योंकि यहां पे अटैकिंग रिएजेंट होना चाहिए तब ये होता है अटैकिंग इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ये इफेक्ट होता है या आगे देखेंगे अभी देखो ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन यूजली सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस होते हैं कब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैचड होगा चैन के एंड पे है ना कार्बन कार्बन चैन है फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन कार्बन चैन है और यहाँ पे फ्लोरिन लगा हुआ है तो फ्लोरिन क्या करेगा इन uh, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फ्लोरीन पे आ जाएगा डेल नेगेटिव कार्बन पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव तो इसकी वजह से ये जो इफेक्ट है इसको हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट है ना क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सिमिलरली किसी वक्त इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा ठीक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट ठीक है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये अपने क्लास में डिटेल में पढ़ा है अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इज़ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं ट्रांसफर यहाँ पे होता है जब ट्रांसफर होगा तो वहाँ पे आयन फॉर्मेशन होगा आयॉन्स यहाँ पे बनते हैं पर यहाँ पे नहीं बनते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में कोई भी आयन नहीं बनता है ठीक है तो इसका आप स्क्रीन लेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब देखो नेक्स्ट जो है इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डज नॉट लीव इट्स मॉलिकुलर ऑर्बिटल जैसे आप देख सकते हैं मैंने दिखाया सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ शिफ्ट हो गई टूअर्ड्स फ्लोरिन पर अपने मॉलिकुलर ऑर्बिटल से ये लीव नहीं करते हैं ठीक है पर यहाँ पे ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है जो ट्रांसफर होता है यहाँ पे पाया इलेक्ट्रॉन पेयर वो अपना ऑर्बिटल जो है लीव करता है ठीक है नेक्स्ट जो है दैट इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा डेल नेगेटिव और यहाँ पे डेल पॉजिटिव ये तो पार्शियल सेपरेशन है ना चार्जेस का पर यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है कंप्लीट सेपरेशन ठीक है यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन होता है इसको हम दिखाएंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को यहाँ पे जैसे मुझे बताओ फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू देखो अगर ये ऐसे ही है तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यह है, है ये यहाँ पे है ये ना इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे और न ही इसकी तरफ अब अगर यहाँ पे कोई अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल लट से एच पॉजिटिव यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट आ गया तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा दैट्स वाई मैंने बताया कि ये टेम्पररी इफेक्ट है देखो क्या होगा जो ही लट से ये एच पॉजिटिव जो है यहाँ पे इस कार्बन के करीब आ गया तो ये दोनों पाए इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन की तरफ तो तब ये कैसे बनेगा इसको आप दिखाएंगे सी एच टू यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और उसके बाद सी एच थ्री क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन पे आ जाएगी नेगेटिव चार्ज क्योंकि ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए और पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे दैट सी एच थ्री बन जाएगा यहाँ पे यह. ठीक है सी एच थ्री अब इस कार्बन पे आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो ये है हाँ आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे क्या हुआ कंप्लीट सेपरेशन uh, होता है चार्ज का यहां पे पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट आ गए यहां पे कोई डेल पॉजिटिव हम नहीं दिखाएंगे पार्शल चार्ज यहाँ पे नहीं है कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गए दैट मीन्स आयोन्स यहां पे बनते हैं तो इस बात को आप यहाँ पे याद रखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ठीक है तो नेक्स्ट जो है अब देखो यहां पर ये यह आपको एक्सप्लेन करना था मुझे बताओ ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने यहाँ पे दिखाया ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, है और ये आपका लीस्ट है. थर्ड जो आपका है ये लीस्ट है. ऐसा क्यों है ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं क्लोरीन तीन है क्लोरिनलोजन अलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ये कैसे हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है ना ये क्या दिखाएंगे माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे तो मुझे बताओ ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स टीज हेलोजन तो इनकी वजह से ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट बन जाएगा मुझे बताओ जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट बन गया तो ये इस प्रोटॉन को ईजिली जाने ये हाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया ठीक है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये बना तो ये इजीली प्रोटॉन को लिबरेट करेगा तो दैट्स वाई ये आपका स्ट्रांग एसिड होगा अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे सिर्फ आपके दो ही क्लोरीन है ठीक है तो माइनस इफेक्ट कम है और यहाँ पे एक ही क्लोरीन है तो ये बहुत ही कम अट्रैक्ट करेगा इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को तो, तो दैट इज़ वाई ये आपका लीस्ट एसिडिक होगा जितने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स ज़्यादा होंगे उतनी एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा होगी इसको आप नोट डाउन करेंगे दैट मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स मोर विल बी द एसिडिटी ठीक है ना इंपॉर्टेंट रहेगा अब देखो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं इसमें ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोगलिक एसिड है उसके बाद ये वाला उसके बाद दिस वन दैट इज़ फर्स्ट यहाँ पे भी आपका ज़्यादा एसिडिक है सेकेंड से और सेकेंड आपका ज़्यादा एसिडिक है किससे थर्ड वन से तो यहाँ पे इसको अब देखो फर्स्ट को आपने कैसे एक्सप्लेन किया ऑन द बेस ऑफ विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑन द बेस ऑफ माइनस आई इफेक्ट है ना जो आपको क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन को फिर से आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया था दैट किस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से आप एक्सप्लेन करेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी तो दैट मीन्स ये जो कंपाउंड्स यहाँ पे है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो फर्स्ट uh, वाले कंपाउंड्स हैं इनकी एसिडिटी आप एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइनस आई इफेक्ट पर ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं सी एच थ्री है मतलब मिथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है तो यहाँ पे ये यह प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा तो मुझे बताओ प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा यहाँ पे ये यह इलेक्ट्रॉन दे रहा है ठीक है तो दैट मीन्स जो यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन रिच बन रहा है तो ये तो प्रोटॉन को ईजिल लिबेट नहीं कर सकता है ठीक है ये प्रोटॉन को ईजिली लिबरेट नहीं कर सकता है तो दैट मीन्स एसिडिटी तो यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है फिर ये कैसे ज़्यादा एसिडिक है इसको देखेंगे आप देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है यहाँ पे दो मीथाइल ग्रुप्स है ये आप दिखा भी सकते हैं यहां पे सी एच थ्री है यहां पे ठीक है और यहां पे भी मिथाइल है सी एच थ्री तो दैट मीनस यहां पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है ये तो इसको और कम एसिडिक बनाएंगे और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे तीन मिथाइल ग्रुप्स है अल्काइल ग्रुप्स है ठीक है इनको आप दिखा भी सकते हैं सी एच थ्री यहां पे भी ये सी एच थ्री है ठीक है और यहां पे भी आपका मिथाइल है सी एच थ्री तो दैट मीनस यहां पे तीन अल्काइल ग्रुप्स इसकी एसिडिटी जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं तो दैट्स इस वाई थर्ड आपका बहुत ही कम एसिडिक होगा फर्स्ट यहां पे ज्यादा उसमें के बाद सेकेंड देन थर्ड पर यहाँ पे इफेक्ट कौन सा यूज होता है प्लस आई इफेक्ट तो इसको आप नोट डाउन करेंगे तो आपको सिंपली याद रखना है माइनस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिटी इंक्रीज होती है और प्लस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिटी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वो डिक्रीज होती है अब अगर आपके पास एमाइंस होंगे तब बताओ मुझे अगर आपके पास एमाइंस है फॉर एग्जाम्पल ये सी एच थ्री एन एच टू है एमाइन है ठीक है यहां पे जो आपका ये मिथाइल है ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से बेसिसिटी जो है इंक्रीज होते हैं तो आप सिंपली याद रखेंगे दैट दिस प्लस आई इफेक्ट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी ऑफ अमाइनस ठीक है ना जितना प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी सिंपली ठीक है ना तो दैट मीन्स जहां पे भी प्लस आई इफेक्ट होगा वहाँ पर अमाइनस की बेसिसिटी ज़्यादा होगी और माइनस आई इफेक्ट जो है इसकी वजह से बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज होती है सिंपली आप ऐसे याद रखेंगे अपोजिट है ना बेसिसिटी जो है इट इंक्रीजेज ड्यू टू प्लस आई इफ़ेक्ट एंड बेसिसिटी ऑफ एम जो है इट डिक्रीजेज ड्यू टू माइनस आई इफ़ेक्ट ठीक है ना तो इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे नेक्स्ट जो है दैट इज़ जस्ट यूर हेयर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर जो है दैट इज डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्टलेन डिस्टलेशन टेक्नीस ठीक है ना देखो डिस्टिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा किसी भी एंगल से ये पूछा जाता है तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत ही ब्रीफ किया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये तो देख लो एक है सिंपल डिस्टिलेशन सिंपल डिस्टिलेशन जो है एक तो आपको प्रिंसिपल याद रखना होता है और दूसरा एग्जाम्पल्स बस इतना ही यहां पे जितने भी सेपरेशन टेक्निक्स हैं आप ये पूछते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे तो क्वेश्चन आपका आप जो पूछा जाता है प्रिंसिपल पूछा जाता है और एग्जाम्पल पूछा जाता है ठीक है तो सिंपल डिस्टिलेशन जो है ये हम यूज करते हैं जब आपके पास होगा वोलाटाइल लिक्विड और नॉन वोलाटाइल ठीक है इम्प्योरिटी तो तब हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं या ये हम तब यूज करते हैं जब आपके पास लिक्विड्स होंगे जिनका जो बॉइलिंग है वो डिफरेंट होगा है ना दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जाम्पल अगर uh, आपके पास दो लिक्विड्स लिक्विड्स ऑर्गेनिक ए एंड बी और उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है इट इज़ फ्रॉम टू लिक्विड हैलवन ठीक है तो तब हम यूज करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन का क्योंकि आगे हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो भी बताएंगे वो तब यूज होता है जब आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो होगा दो कंपाउंड्स के दरमियान वो होना चाहिए टेन टू ट्वेंटी कैलवन मतलब कम होना चाहिए जब डिफरेंस जो है सुफिशेंट है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है सुफिशेंट है तब हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज़ किया जाता है जब बॉइलिंग पॉइंट जो है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो कम होगा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है ये कम होना चाहिए जैसे टेन टू ट्वेंटी के अब देखो यहाँ पर सिंपल है आपने दो ऑर्गेनिक लिक्विड्स ले लिए डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया जाता है उसमें हीट किया जाता है तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले वही वेपर बनाएगा और उसके बाद कंडेंसेशन की जाती है तो यहाँ पर दो प्रोसेस एक्चुअली होती है डिस्टिलेशन में दो प्रोसेसेस होती है एक तो होता है वेपराइजेशन है ना पहले वेपर बनाए जाते हैं ठीक है उसके बाद होता है कंडेंसेशन तो बस ये ये है आपका सिंपल डिस्टिलेशन एक पहले वेपराइजेशन होता है उसके बाद कंडेंसेशन करवाई जाती है उन वेपर्स को कूल डाउन किया जाता है जैसे आपके पास है यहां पर ये देख लो आप डाई इथाइल इथर है और ये आपके पास है बेंजीन ठीक है बेंजीन जो है सी सिक्स एच सिक्स इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है थ्री फिफ्टी थ्री कैलवन ठीक है ना 353 केल्विन और ये जो डाई इथाइल इथर है इसका है 308 केल्विन तो यहां पे आप देख सकते हैं बॉयलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो आप सिंपल डिस्टेशन का यहां पे यूज करेंगे ठीक है सिमिलरली आपके पास क्लोरोफॉर्म है आपके पास है एनोलिन है ना बेंजीन पे सी सिक्स एच फाइव इसके ऊपर जब भी एनएच टू होगा तो इसको एनोलिन कहा जाता है तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनलिन और क्लोरोफॉर्म को किस टेक्निक से आप सेपरेट कर सकते हैं प्योरीफाई कर सकते हैं तो दैट्स यूर सिंपल डिस्टलेशन तो इसको आप याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है नेक्स्ट जो है दैट्स यूर फ्रैक्शनल डिस्टलेशन आप देखो फ्रैक्शनल डिस्टलेशन में आप क्या याद रखेंगे कि ये वहां पर यूज किया जाता है जहां पे बॉयलिंग पॉइंट डिफरेंस जो होगा वो ज्यादा नहीं होना चाहिए टेन टू ट्वेंटी कैलवन ठीक है तो यहां पे एक्चुअली एक स्पेशल डिस्टलेशन फ्लास्क के अंदर हम यूज करते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम स्पेशल कॉलम का यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसको आप नोट uh, डाउन no करेंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यहां पे यूज किया जाता है इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो यहां पे हम किसको को प्योरीफाई करते हैं देखो क्रूड ऑयल जो है इसके जो डिफरेंट फ्रैक्शन जो है वो हम सेपरेट करते हैं बाई दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ठीक है इंडस्ट्री के अंदर सिमिलरली uh, जो आपका मिथेनॉल है मिथिनॉ जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है थ्री थर्टी मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट थ्री थर्टी ठीक है और नेक्स्ट जो आपका ये है एसिटून है ना प्रोपेनोन जिसको आप कहते हैं 329 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है तो देखो

ये टेम्परेचर आ जाता है तो ये तो डिकम्पोज होता है पर हमें थोड़ी डिकम्पोज करना है हमें तो सेपरेट करना है प्योरीफाई करना है तो तब इसका यूज़ किया जाता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूसड प्रेशर मतलब आप यहाँ पे क्या करते हैं प्रेशर को रिड्यूस करते हैं कम करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इतना प्रेशर कम किया ट्वेल्व एम एम एच जी है ना इसका हम यूज़ करेंगे वैक्यूम पंप का यूज़ किया जाता है प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए तो जो ही आप यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो इसका बॉयलिंग पॉइंट जो है मतलब ये अब बॉयल पहले होता था 563 सिक्सटी पे अब यही ग्लिसरॉल आपका बॉयल होता है 453 फिफ्टी पे मतलब कम टेम्परेचर पे और यहाँ पे अब ये डिकम्पोज भी नहीं होता है सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दिस इज डिस्टेशन अंडर रिड्यूसड प्रेशर ये अब तब यूज़ करते हैं जब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसका बॉलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होगा और जो डिकम्पोज होता है इस बॉलिंग पॉइंट पर तो हमें तो थोड़ी डिकम्पोज करना है हमें तो सेपरेट करना है प्योरीफाई करना है तो इसलिए हम प्रेशर को रिड्यूस करेंगे डिक्रीज़ करेंगे ठीक है तो वैक्यूम पंप का यूज़ किया जाता है जैसे ट्वेल्व एम एम एच अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं इस गलाइसरॉल के लिए तो ये आपका फिर बॉयल होता है वेपराइज होता है एट फोर फिफ्टी थ्री कैलवन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसको आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे ठीक है तो ग्लाइसरॉ को आ, हम प्योरीफाई करते हैं बाई दिस डिस्टलेन अंडर रिड्यूसड प्रेशर तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है ना नीट में भी पूछा गया है ठीक है नेक्स्ट जो है दैट इज योर स्टीम डिस्टलेशन देखो सिटीम डिस्टिलेशन का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं इसके लिए क्या प्रिंसिपल है तो आप याद रखेंगे दैट इट्स यूज टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर सिटीम वाला है ना कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो आपका सिटीम वाला होगा जब आप सिटीम का यूज़ करेंगे तो ये उसी के साथ वाला बन जाता है ठीक है इसी के साथ चला जाता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिटीम के साथ चला जाता है तो तब हम इसका यूज़ करते हैं ठीक है और ये जो आपका सबस्टेंस होना चाहिए ये होना चाहिए इमिसिबल विद वाटर ठीक है जो ये सबस्टेंस यहाँ पे आप यूज़ करते हैं ये कैसा होना चाहिए ये इमिसिबल होना चाहिए ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए सॉलेबल नहीं होना चाहिए इमिसिबल विद वाटर ठीक है ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसके लिए ये ही इसका प्रिंसिपल है आप याद रखेंगे दैट उन सबस्टेंस को सेपरेट किया जाता है जो स्टीम वोलाटाइल होंगे और जो इमिसिबल होंगे वाटर के साथ तो कंपाउंड को बाद में सेपरेट किया जाता है इस वाटर से बाय सेपरेटिंग फनल ठीक है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है दैट जो इंप्योरिटी है वो होनी चाहिए नॉन वोलाटाइल ठीक है यहाँ पर जो आपकी इंप्योरिटी होती है उसको आप नोट no डाउन करेंगे इम्प्योरिटी जो है यहाँ पर वो आपका नॉन वोलाटाइल होता है

तभी ये जो आपका सब्सटेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वोलाटाइल है स्टीम वाला है ना वो तो स्टीम के साथ चला जाएगा पर इम्प्योरिटी होती है नॉन वोलाटाइल वो तो वहाँ पे ही रहेगा ठीक है तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है एनोलिन को प्योरीफाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्प्योर एनोलिन को प्योरीफाई किया जाता है बाई दिस स्टीम डिस्टिलेशन और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये ऑब्जेक्ट बार बार पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉ जो है ये भी स्टीम वाला है इसको आप नोट no डाउन करेंगे ये आपका स्टीम वाला है पर इसका जो दूसरा आइसोमर है दैट इज योर पैरा नाइट्रोफिनॉ वो स्टीम वाला टाइल नहीं होता है सो so, ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये स्टीम वॉलाटाइल है और इसको प्योरीफाई किया जाता है सेपरेट किया जाता है बाई दिस स्टीम डिस्टिलेशन ठीक है तो इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एज़ कम्पेयर टू पैरा क्यों लो होता है क्योंकि इसके अंदर होती है इंट्रा एंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर एक को पता होना चाहिए इंट्रा एंट्रामिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होती है ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर पैरा के अंदर होगा इंटर ठीक है यह है इंट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा तो अब यहाँ पे कुछ और बातें आप याद रखेंगे वो क्या है कि दैट किसी वक्त अगर आपके पास देखो फ्लावर्स आपने देखे हैं राइट इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वालाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वालाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा जिनके आ, मदद से क्या होती है इन फ्लावर्स की फ्रेगरेंस होती है ना? फ्रेगरेंस आप याद रखेंगे बहुत ही अच्छा स्मेल इनका होता है तो इन वॉलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम क्या कर सकते हैं ये भी क्या होते हैं ये भी इन्सॉलेबल होते हैं इन्सॉलेबल इन वाटर तो किससे हम सेपरेट कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है दैट फ्लावर्स के अंदर जो वॉलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ठीक है जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंट होते हैं इन्सॉलेबल इन वाटर है तो किस टेक्निक से सेपरेट करेंगे तो आप याद रखेंगे इसी स्टीम डिस्टिलेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा स्टीम डिस्टिलेशन ठीक है अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आप नोट no डाउन करेंगे ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखो अगर आपके पास दो कंपाउंड दिए गए हैं ठीक है आपके पास दो कंपाउंड है डिफरेंट दे हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटीबिलिटी मतलब एक की सोलिबिलिटी कम है और दूसरे की सॉलिबिलिटी ज्यादा है तो अब आप किस टेक्निक से उनको सेपरेट और प्योरीफाई करेंगे तो यहां पे डिस्टिलेशन हम यूज नहीं करते हैं यहां पे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का यूज किया जाता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ये आपके टेक्स्ट पे दिया गया है एक्सरसाइज क्वेश्चंस में ठीक है तो आप इसको याद रखेंगे दैट अगर आपके पास दो कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉलिबिलिटी जो है डिफरेंट है उनको सेपरेट किया जाता है बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है ना उनके क्रिस्टल crystal, मतलब क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल फॉर्मेशन यहाँ पे होता है तो इसका इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट आप नोट डाउन करेंगे अगर आपके पास दो कंपाउंड्स है लेट्स से एक है कैल्शियम सल्फेट ये भी आपके टेक्स्ट के ऊपर दिया गया है ठीक है ये पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट है और दूसरा कैम्फर देखो कैम्फर जो आपका है ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी सब्लिमेशन होती है तो कैसे इनको आप सेपरेट कर सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ सब्लिमेशन तो आप इसको नोट no डाउन करेंगे सब्लिमेशन है ना ये बहुत सारी टेक्निक्स है सेपरेशन मैथड्स है प्योरिफिकेशन मैथड्स जो आपने डिटेल में ऑलरेडी स्टडी किए हैं बस यहाँ पे इन पे फोकस करेंगे इनको याद रखेंगे कैम्फर जहाँ पर भी होगा यह आपका वॉलाटाइल है इसकी सब्लिमेशन ईजिल होती है ठीक है सॉलिड से डायरेक्टली वेपर के फॉर्म में

जिस जिससे आप क्या कर सकते हैं ऑर्गेनिक uh, कंपाउंड्स को आइसोलेट कर सकते हैं ठीक है आइसोलेट कर सकते हैं प्योरीफाई कर सकते हैं ठीक है और आप क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं तो वो कौन सी है तो इसका जो आंसर है वो रहेगा क्रोमेटोग्राफी इट इज़ द लेटेस्ट वन टेक्निक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेस्ट है लेटेस्ट है क्रोमेटोग्राफी है ना क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे आप याद रखेंगे ये मैंने एम uh, सी में भी डिस्कस किया है दैट uh, ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना वहाँ पे किस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है पार्टीशन है ना अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी होगा तो वहाँ पर एबजॉर्बशन का यूज़ होता है तो इसको आप नोट no डाउन कर सकते हैं तो इंपॉर्टेंट रहेगा इसको आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव दैट इज डिस्कस लेसिग्नीज टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाएगा ठीक है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर फाइव है ये तो देखो लेसिग्नीज टेस्ट जो है इसको आप यहां पे याद रखेंगे इसमें क्या होता है इसमें सिंपली हम क्या करते हैं जस्ट एलिमेंट जो है uh, जो भी हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कोई भी एलिमेंट ठीक है जैसे नाइट्रोजन यहां पे एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज एक्चुअली फर्स्ट कन्वर्टेड फ्रॉम कोवलेंट फॉर्म टू आयोनिक फॉर्म ये इसका प्रिंसिपल है देखो लेसिग्निज टेस्ट का अगर आपको प्रिंसिपल पूछा जाता है तो क्या प्रिंसिपल रहेगा इसका इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है दैट यहाँ पे आपका जो एलिमेंट है उसको कोवलेंट फॉर्म से कन्वर्ट किया जाता है इनटू आयोनिक फॉर्म है ना कोवलेंट फॉर्म से कन्वर्ट किया जाता है इनटू आयोनिक फॉर्म फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है अब इसको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जैसे सोडियम साइनाइड बनाया जाएगा है ना ठीक है ना नाइट्रो यहां पे ये एन एस एन जो है आयोनिक कंपाउंड है ठीक है जैसे आपके पास सोडियम सल्फाइड है आयोनिक कंपाउंड है ठीक है तो ऐसे ये इसका प्रिंसिपल है दैट इन लेसिग्निज टेस्ट एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम कोवलेंट फॉर्म टू आयोनिक फॉर्म कैसे बाई फ्यूजिंग कंपाउंड विद सोडियम मेटल बस सिंपली सोडियम के साथ हम मेटल uh, को ट्रीट करवाते हैं तो वहां पर क्या होगा देखो अगर आपके पास सोडियम के साथ आपने ट्रीट किया लेसेग्निज टेस्ट के अंदर लेट से कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये तो होता ही है ठीक है अब अगर नाइट्रोजन है तो क्या बनेगा यहां पे सोडियम साइनाइड

Uh, फिर क्लोराइड के साथ एंड फ्यू ड्रॉप्स फ्यू ड्रॉप्स इसके डाले जाते हैं किसके फिर क्लोराइड के और इसको फिर एसिडिफाई किया जाता है ठीक है एसिडिफाई किया जाता है इस पूरे मिक्सचर को विद डाइल्यूट एच सी एल ठीक है डाइल्यूट एच सी एल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है इससे इसको हम एसिडिफाई करते हैं ठीक है इसको एसिडिफाई मतलब एसिडिक बनाते हैं यहाँ पे मीडियम जो है एसिडिक बनना चाहिए अब देखो रिएक्शन यहाँ पे क्या होती है वो दिखाई गया है यहाँ पे देखो सोडियम साइनाइड जो यहाँ पे बना सिंपली हमने क्या किया देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास था ठीक है जहां पे हमें देखना है कि इसके अंदर नाइट्रोजन है या नहीं है लेट्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है तो अगर नाइट्रोजन है वो इस सोडियम के साथ हम ट्रीट करवाते हैं इस लेसग्नीज टेस्ट के अंदर तो वहाँ पर बन जाएगा सोडियम साइनाइड आयोनिक कंपाउंड है तो ये जो सोडियम साइनाइड है मैंने बताया इसको पहले लेसिग्नीज एक्सट्रैक्ट को अल्कलाइन थोड़ा सा बनाया जाता है और फिर एफ डाला जाता है तो ये इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम सल्फेट एंड दिस फिर साइनाइड ठीक है तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा एन के साथ और ये बनेगा दिस वन है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये है सोडियम हेक्सासायनोफेरेट सायनोफेरेट इंपॉर्टेंट रहेगा अब देखो उसके बाद ये जो है इसको हम ट्रीट करते हैं एफ ई सी एल थ्री के साथ एसिडिक मीडियम uh, में ठीक है एफ ई सी एल थ्री के साथ ये बनाएगा दिस वन कम्प्लेक्स और ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये जो कम्प्लेक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका पुरुषन ब्लू कलर होता है ठीक है प्रशियन ब्लू कलर तो अगर यहाँ पे प्रशियन ब्लू कलर आ जाता है इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट रहेगा और इसका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कंप्लेक्स आप याद रखेंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है दैट लेसग्निज टेस्ट के अंदर जो फाइनली प्रशियन ब्लू कलर आ जाता है किस कंप्लेक्स की वजह से आता है तो इसी कम्प्लेक्स की वजह से आ जाता है ठीक है तो इसका नाम क्या है ये है फेरी फेरोसाइनाइड देखो एक नाम तो ऐसे है दैट इज फेरी फिर साया नाइट ठीक है एक तो ये नाम है ये तो कॉमन नेम है ठीक है इसका जो आइब नेम है दैट इज एक्चुअली आयरन थर्ड मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको आयरन उसके बाद थर्ड मतलब एक आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है उसके बाद हैगजा सानो हैगजा सागजा ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो सी है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो इसको ऐसे नाम दिया जाता है हेग्जा साड हैगजा सानेडो सेकेंड तो दैट मीन्स जो दूसरा आयरन है यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू है मतलब एक आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होता है और दूसरे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा किसी वक्त पूछा जा सकता है ओब्जिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इसका प्यूशियन ब्लू कलर होता है ठीक है प्युशन ब्लू कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन यही है लेसिग्निज टेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपने ये पढ़ा भी है ठीक है इसका नाम याद रखेंगे आयरन थर्ड हैगजा सायनेडो सेकेंड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा आ जाते हैं दैट इज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स दैट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रिंसिपल ऑफ देखो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन को एस्टिमेट किया जाता है दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं डुमाज मेथड एंड जलदल्स मेथड ठीक है तो इनका जो प्रिंसिपल है वो हमें देखना है हैं डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे मैंने दिखाया है ये है डुमाज मेथड और ये है जलदल्स मेथड तो देखो सिंपली आपको क्या याद रखना है डुमाज मेथड के अंदर जो नाइट्रोजन इवॉल्व होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से ठीक है उसको मेजर किया जाता है और फिर इस्टिमेट किया जाता है ये इसका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल इनका इंपॉर्टेंट है यही पूछा जाता है एग्जाम में ठीक है इनका प्रिंसिपल अब देखो यहाँ पे जलदल्स मैथड का प्रिंसिपल क्या है जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में होमोनिया में कन्वर्ट करते हैं हम पहले ठीक है ये डिफरेंस रहेगा बिटवीन डुमाज मैथड एंड जलदल्स मेथड और उसके बाद उसको एस्टिमेट किया जाता है वॉलोमेट्रिकली ठीक है इट इज़ देन एस्टीमेटेड वॉलोमेट्रिकली ठीक है ये इंपॉर्टेंट रहेगा अब देखो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे फिर नाइट्रोजन का परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ये है एक्स अपन एम एक्स इज इट इज द वट इज एक्स इट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन इसको आप नोट no डाउन करेंगे एक्स जो यहाँ पे है मास ऑफ नाइट्रोजन एम जो है इट इज़ द मस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है एम जो यहाँ पे रहेगा मैं लिखूंगा यहाँ पे एम जो है इट इज द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास ले लिया ठीक है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है इंटू हंड्रेड ऐसे हैं निकालते हैं परसेंटेज यहाँ पे भी वही वैसे निकालेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन अपान द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू हंड्रेड पर एक्चुअल फार्मूला क्या है उसको आपको याद रखना है यहाँ से किसी वक्त न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको आना चाहिए देखो ये है फॉर्मूला ट्वेंटी एट इसको आप याद रखेंगे इंटू वी वी क्या है वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एस टी पी वी को आप नोट no डाउन करेंगे इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दैट इज एन टू एट एस टी पी दैट इज़ द स्टैंड ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ठीक है ना या एन टी पी तो इसको आप नोट no डाउन करेंगे उसके बाद क्या है अपॉन ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड है ना इंटू एम एम क्या है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे कैसे निकालेंगे जलदर्स मैथड में इस फॉर्मूला से निकालेंगे वन पॉइंट फोर एक्चुअली ये फोर्टीन था पहले ये पूरा सॉल्व किया गया है बस आपको फार्मूला याद रखनी है वन पॉइंट फोर ठीक है ना इंटू एम एम क्या है यहाँ पे मोलरिटी ऑफ सल्फिर कैसेड इन टर्म्स को आप याद रख सकते हैं एम इज़ द मोलरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एक्चुअली एच टू एस ओ फोर जो है उसका यूज़ किया जाता है ठीक है क्योंकि वॉलूमेट्रिकली इसको हम इस्टीमेट करते हैं मैंने लिखा है ऊपर ठीक है वी क्या है वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ एच टू एस ओ फोर ठीक है ना वॉल्यूम ऑफ एच टू एस ओ फोर दैट सल्फ्यूरिक एसिड टेकन है ना जो हमने एच टू एस ओ फोर ले लिया उसका वॉल्यूम वी है अब वी वन क्या है यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं वी भी है और वी वन वी वन है वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक्चुअली टाइट्रेशन के दौरान हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वॉल्यूम ऑफ एन एच यूज है ना एन ए ओ एच कितना यूज हुआ ठीक है तो वो आप याद रखेंगे फॉर टाइट्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब जो एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड जो बचा एक्सेस में जो था उसको टाइट्रेट हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उसका कितना वॉल्यूम यहाँ पे वी वन यूज़ हुआ और एम वही है एम इज़ द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये रहेगा डिफरेंस बिटवीन टू पर इंपॉर्टेंट ये है द जलदल्स मैथड जो है इसको हम uh, इसकी लिमिटेशन है इसकी लिमिटेशन क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये है पायरेडीन है ना नाइट्रोजन अगर रिंग के अंदर है नाइट्रोजन अगर रिंग के अंदर है तो इसके लिए हम जल्दल्स मैथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं ठीक है या जैसे अगर आपके पास है यूरिया है ठीक है ना यूरिया है इसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ठीक है तो ये कुछ लिमिटेशन है इसकी बाकी जलदल्स मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रेफ़र किया जाता है डुमाज मेथड से पर इसकी लिमिटेशन आप यहाँ पे थोड़ी सी याद रखेंगे ठीक है इम्पोर्टेंट रहेगा अब उसके बाद ये आपका था क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन जो है दैट इज़ व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं ये हर एक को याद होना चाहिए ये होते हैं वेरी शॉर्ट लिविट स्पीशीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स दे आर वेरी शॉर्ट लिवड स्पीशीज़ ऐसे स्पीशीज़ जिनकी लाइफ स्पैन बहुत ही कम होती है ठीक है मतलब ये एक्चुअली क्या होते हैं ये रिएक्शन के दौरान बनते हैं ठीक है और फिर फाइनली कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में इमीजिएटली ये कन्वर्ट होता है इंटू प्रोडक्ट्स ठीक है रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपका जैसे कार्बोकेटाइन आ जाता है कार्बेनियन आ जाता है फ्री रेडिकल आ जाता है जैसे कार्बीन आता है ठीक है ना जैसे आपके पास नाइट्रीन आ जाता है ठीक है तो ये सभी जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है ठीक है ना तो इंपॉर्टेंट ये है कार्बोकेटायन कार्बेनियन फ्री रेडिकल ठीक है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट सिंपली आप याद रखेंगे ये हाईली रिएक्टिव होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है दे आर हाईली रिएक्टिव क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं ना रिएक्श रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो है ये हाईली अनस्टेबल होते हैं इसलिए क्या करेंगे जल्दी से रिएक्ट करके बनाएंगे फाइनल प्रोडक्ट है ना तो ये अनस्टेबल होते हैं तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन जो है हमें देखना है यहाँ पे कार्बोकेटायन ठीक है ना तो देखो कार्बो कैटाइनज़ हम किन को कहते हैं मैं यहाँ पे सी पॉजिटिव से इसको दिखाऊंगा सिंपली ये होता है ग्रुप ऑफ एटम्स आप इसको नो no डाउन कर सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स कोई भी एटम्स का ग्रुप हैविंग पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सिंपली ये इसके डेफिनेशन रहेगी हैविंग पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है का और वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है तो वो आपका कार्बोकेटाइन कहलाता है एंड इट हैज ओनली सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड हैज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल ठीक है ना वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ इसके पास होते हैं छः इलेक्ट्रॉन्स जैसे ये आपके पास सी एच थ्री पॉजिटिव है तो क्या है कार्बोकेटाइन है ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं है ना कॉर्बोकेटाइन जो है अगर इसकी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे है ना इसकी स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज जस्ट योर ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर यहाँ पर हम बना सकते हैं यहाँ पे ये भी आप याद रखेंगे इसकी स्ट्रक्चर पूछी जा सकते है ना ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है रिएक्शन इंटरमीडिएट से ठीक है तो देख लो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है देखो कितने इलेक्ट्रॉन है दो दो चार और दो छः छह ही इलेक्ट्रॉन है तो मैंने बताया इसके वैलेंस शेल में सिर्फ छह ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है और यहाँ पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल ठीक है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ठीक है और यहाँ पे इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 होती है तो कैसा शेप होगा ट्राइगोनल प्लानर शेप होता है बॉन्ड एंगल कितना होगा वन ट्वेंटी डिग्री होगा तो ये इसकी स्ट्रक्चर भी हमने यहाँ पर डिस्कस की आप याद रखेंगे अब अगर किसी वक्त आपको एग्जाम में पूछा जाता है अगर कार्बेनियन होगा फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये सी एच थ्री जो है कार्बोकेटाइन है अगर सी एच थ्री नेगेटिव लेंगे तो ये क्या है ये

पैरा शेप किसके पास होती है आ, जो कार्बेनियन है और जो कार्बोकेटान है उसकी ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री शेप होती है ठीक है और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की वो है sp3 ये डिफरेंस रहेगा ठीक है वहाँ पे sp2 पी टू यहाँ पर एस पी थ्री वहाँ पर ट्राइगोनल प्लानर और यहाँ पे पैरामेडल और ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ ये कैसे होंगे इलेक्ट्रॉन रिच और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है कैसा होता है जो आपका कार्बो कैटान है ये कैसा है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है ना है इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट या नहीं है डेफिनेटली इट इज़ क्योंकि छह ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंसल के अंदर यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे ईट है इलेक्ट्रॉन रिच है ये ठीक है ना लॉन पेयर है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डोनेट कर सकता है तो ये यह आप यहाँ पर याद रखेंगे कार्बो कैटन में ठीक है तो कैसे ये बनता है बाय हिट्योरोटिक फिशन फॉर एग्जांपल ये अगर कार्बन है इसके साथ ये तीन मिथाइल और यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे क्या होगा क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ठीक है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है तो ये क्या बनेगा सी पॉजिटिव ठीक है तो वहाँ पर क्या बचा वहाँ पर बचा कार्बन और इस पर तीन मिथाइल है तो ये है आपका कार्बोकेटाइन तो किस फिशन से ये बना हीट्योरोटिक से इसको आप नोट डाउन करेंगे है ना हिट्योलिटिक फिशन से बनता है या हिटेरोलिटिक क्लीवेज से बनता है कार्बोकेटायन सिमिलरली कार्बेनियन पर जो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं फ्री रेडिकल्स होमोलिटिक क्लीवेज से बनते हैं उसको आप नोट डाउन करेंगे ठीक है इंपॉर्टेंट रहेगा अब देखो नेक्स्ट आप क्या यहाँ पर याद रखेंगे यहाँ पर टाइप सेना क्लासिफिकेशन जो आपको दिया गया था क्लासिफिकेशन देखो कार्बोकेटायन्स हो या कार्बेनियन हो या फ्री रेडिकल दे आर आफ थ्री टाइप्स एक होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और टर्शरी कार्बोकेटाइन ठीक है तो जैसे प्राइमरी जो है दैट इज जस्ट दिस वन ये मीथाइल कार्बोकेटाइन प्राइमरी कंसिडर किया जाता है ठीक है सिमिलरली इथाइल जो है ये भी प्राइमरी क्यों है क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है इट्स अटैच टू वन अदर कार्बन या नन अदर कार्बन ठीक है अब अगर आपके पास कार्बन है जिसके साथ आ, दो कार्बन और अटैचड है फॉर एग्जांपल ये कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है एंड इट्स अटैच्ड टू टू अदर कार्बन एटम्स तो ये आपका होगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ये आपका है प्राइमरी दिस वन इज़ आल्सो प्राइमरी ठीक है अब एक और कार्बोकेटाइन अगर यहाँ पर हम दिखाएंगे, यहाँ पर इस कार्बन के साथ तीन और कार्बन एटम्स जो है वो अटैचड है ठीक है यहाँ पे थ्री मिथाइल ग्रुप्स है यहाँ पे तो इस कार्बन पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन के साथ तो ये जो कार्बो कार्बोकेटाइन आपका है दिस इज़ योर टर्शरी अब बस स्टेबिलिटी आपको याद रखना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तो बताओ मुझे आपने ये पढ़ा है दट टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी से प्राइमरी से ये भी एप्लीकेशन किसकी रहेगी हाइपर कंजुकेशन एच इफेक्ट है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो हाइपर कैंजुकेशन की एक और एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई दैट इज़ कार्बो कार्बोकेटाइन जो है इनकी स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं देखो कैसे जो ये है तीन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे उसके बाद तीन यहाँ पे तीन यहाँ पे कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है यहां पे सिर्फ छह ही अल्फा हाइड्रोजन है तो यहां पे कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएंगे यहां पे सिर्फ तीन ही अल्फा हाइड्रोजन है और यहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सी एच थ्री कार्बोकेटाइन के पास मीथाल कार्बोकेटाइन के पास तो हाइपर कंजुगेशन के बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी याद रखेंगे इसको ठीक है और एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं एक तो एच इफेक्ट, दूसरा आई इफेक्ट से भी है ना इंडक्टिव इफेक्ट। ये किसी वक्त ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है दैट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं दोनों से एच एफेक्ट से भी आई एफेक्ट से भी देखो कैसे आई एफेट ये जो मिथाइल है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा है ना प्लस आई एफेक्ट दिखाएगा मीथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है तो ये तीनों इसको क्या कर रहे हैं स्टेबलाइज़ कर रहे हैं ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा तो ये रहेगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर ठीक है रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा फिर अपोजिट होगा ना अगर आपको किसी वक्त पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन होगा प्राइमरी उसके बाद सेकेंडरी उसके बाद टर्शरी ठीक है अपोजिट दैट ऑफ स्टेबिलिटी अब मुझे बताओ ये तो कार्बोकेटाइन है अगर कार्बेनियंस वहाँ पे अपोजिट जैसे ये जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका है कार्बोकेटाइन का अगर कार्बेनियंस की बात करेंगे यहाँ पर मिल लिख रहा हूँ कारबेनियन जो आपके पास है वहाँ पे आपका प्राइमरी कारबेनियन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा देन सेकेंडरी देन टर्शरी मतलब अपोजिट एज दैट ऑफ कार्बोकेटान तो दोनों यहाँ पे साथ साथ में रिवाइज हो रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अब नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे याद रखेंगे तीन स्पेशल कार्बोकेटाइन एक है बेंजाइल कार्बोकेटाइन ठीक है बेंजाइल कार्बोकेटाइन दूसरा होता है एलायल कार्बोकेटाइन और तीसरा आप याद रखेंगे दैट इस अ वीनाइल कार्बोकेटाइन तो इन तीन में से अगर किसी वक्त ऑर्डर ऑफ़ स्टेबिलिटी पूछा जाता है तो आपको आना चाहिए सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो आपका होगा बैनजाइल कार्बोकेटाइन उसके बाद एलायल कार्बोकेटाइन देन वीनाइल क्योंकि बेंजाइल में बहुत ज़्यादा रेजोनेंस होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है रेजोनेंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है एलायल कार्बोकेटाइन में भी रेजोनेंस होता है ठीक है तो ये भी स्टेबल है पर बेंजाइल में ज्यादा रिजोनेंस होता है तो ये ज्यादा स्टेबल है विनाइल में तो रिजोनेंस नहीं होता है ठीक है एलाइल कार्बोकेट हम किसको कहते हैं जब आपके पास कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगी एंड इट अटैच्ड अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन ये है आपका एलाइल कार्बन ठीक है कार्बो कार्बोकेटाइन वीनाइल होता है सिंपली जब आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन है और उसी पे पॉजिटिव चार्ज है ठीक है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वीनाइल कार्बोकेटाइन ठीक है ये आपका है एलाइल कार्बोकेटाइन और बेंजाइल सिंपली क्या होता है जब आपके पास बेंजीन के ऊपर जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है जैसे ये है आपके पास सी एच टू इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये आपका बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल उसके बाद एलाइल एंड देन वीनाइल इसको आप याद रखेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है अब क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाते हैं दैट इज डिस्कस द टाइप्स ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शंस देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है, है? यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है यहाँ पे इसको मैंने सिंपल बनाया, बनाया है क्वेश्चन नंबर एट को देखो सिंपल बनाया है यहाँ पर हमें टाइप्स देखने हैं ठीक है टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ये फर्स्ट रिएक्शन है ये आपका है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन एस एन रिएक्शन है ना न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्यूशन देखो आप देख सकते हैं ओ एच नेगेटिव जो आप का क्या है न्यूक्लियोफाइल है बस इसने इस बी आर नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया सो जब भी ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें एक जो है दूसरी न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा सबस्टिट्यूट करेगा उसको हम बताएंगे न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफ्लिक्सटीट्यूशन रिएक्शन ठीक है फर्स्ट वन इज यूर न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्यूशन एक्चुअली रिएक्शन क्या होती है रिप्लेसमेंट रिएक्शन मतलब जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस करता है जैसे यहां पे न्यूक्लियोफाइल जो आपका है एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है रिप्लेस कर रहा है ठीक है अब उसके बाद यहां पे देख लो सेकंड जो आपका है ये है आपका फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है ना देखो सी एल जो है इस पर एक और इलेक्ट्रॉन है अनप इलेक्ट्रॉन इनको फ्री रेडिकल्स कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पे ये दूसरे फ्री रेडिकल को क्या कर रहा है सबस्टिट्यूट कर रहा है तो ये भी है फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट जो है दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे आप देख सकते हैं सी थ्री पॉजिटिव ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको हम कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन ठीक है ना ये आगे हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स में ठीक है तो फ्रिडल क्राफ्ट अलकाइलेशन जो है वहाँ पे सी एच थ्री पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है तो इसने एच पॉजिटिव को रिप्लेस किया ये आपका इलेक्ट्रोफाइल था तो इसलिए इसको बताएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है इंपॉर्टेंट रहेगा अब नेक्स्ट जो है दैट इज यहाँ पे एडिशन uh, रिएक्शन है देखो आप देख सकते हैं एडिशन आप कैसे पहचानेंगे जब सिर्फ एक ही सिंगल प्रोडक्ट होगा जब भी सिंगल प्रोडक्ट होगा उस रिएक्शन को हम बताएंगे कि ये एडिशन रिएक्शन है जैसे ये दो रिएक्टेंट्स थे कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो ये एडिशन रिएक्शन है ना यस इट इज़ एडिशन रिएक्शन ठीक है अब यहाँ पे देख लो एडिशन रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एच बी आर एड हो रहा है अल्किन के साथ तो एक्चुअली पहले जो यहाँ पे एड होगा वो होगा एच पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल तो इसीलिए इसको हम बताएंगे यहाँ पे ये यह है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ठीक है अब नेक्स्ट जो है ये जो है यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं परोक्साइड का यूज़ किया जाता है तो जब भी प्रोक्साइड होता है ठीक है और एच होता है तो यहाँ परोक्साइड इफेक्ट एक्चुअली यूज़ होता है ठीक है जिसको आप पढ़ते हैं एंटी एम के रूल है ना एंटी मारकॉनिका रूल तो यहाँ पे एंटी मारकोनिका रूल यूज़ होता है ठीक है एंटी एम के रूल ठीक है ना तो मुझे बताओ यहाँ पे जब भी पोरोक्साइड होगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बी आर फ्री रेडिकल एक्चुअली यहाँ पे अटैक करता है ठीक है पहले तो दैट्स वाई ये जो यहाँ पे भी एक ही प्रोडक्ट बना ये भी एडिशन रिएक्शन है पर इसको बताएंगे ये है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ठीक है ना फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन अब उसके बाद जो है नेक्स्ट दैट इज़ योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन लास्ट वन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखो इसमें क्या है इसमें जो सी एन नेगेटिव है ये पहले अटैक करता है किसके ऊपर इस कार्बन के ऊपर ठीक है तो पहले यही अटैक करता है दैट्स वाई इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं उसके बाद ये एच इस ऑक्सीजन के साथ अटैक करता है ठीक है तो यहाँ पे इसको आप याद रखेंगे देखो इंपॉर्टेंट यही होता है कि जब पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसको बताएंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता, करता है यहाँ पे पहले एच पॉजिटिव अटैक करता है ठीक है स्पाइस सिस्टम के ऊपर तो दैट्स तो वाई उसको बताएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और ये है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो ये रिएक्शन आप याद रखेंगे और बाकी थोड़ा थ्योरी भी आप लिख सकते हैं और इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का नाम भी आप लिख सकते हैं तब ज़्यादा मार्क्स आपको मिल जाएंगे ठीक है तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाते हैं दैट इज डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ स्टिमेशन ऑफ एलोजन सल्फर फॉसफोरिकलोजन सल्फर और फॉसफोर को कैसे हम करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक्चुअली तो जाता है, एक है जिसको हम कहते हैं कैरियस मैथड है ना ये हमने एम में भी डिस्कस किया है कैरियस मैथड से हम इस्टीमेट करते हैं हेलोजन को सल्फर को और फॉसफोरस को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो क्या किया जाता है सिम्पली इनको हम देखो है कैसे हम इस्टिमेट करते हैं इनको कन्वर्ट किया जाता है सिल्वर हैलइड में सिल्वर हैलाइड में कन्वर्ट किया जाता है सिल्वर हैलाइड ये है इसका टेक्निक जो है इसका प्रिंसिपल जो है वो यही है कि इनको किसमें हम कन्वर्ट करते हैं सिल्वर हैलाइड जो है इसमें हम कन्वर्ट करते हैं हेलोजेंस को है ना और उसके बाद जो मास ऑफ सिल्वर हैलाइड बना यहाँ पे एंड द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन उसी से परसेंटेज निकाला जाता है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर नाइन जो है क्वेश्चन नंबर नाइन हाँ यहाँ पे आप लिखेंगे पहले देखो आप सिंपली क्या याद रखेंगे मैंने बताया कैरियस मेथड जो है इसी से इस्टिमेट किया जाता है हेलोजन्स को है ना सल्फर को और फास्फोरस को पर्टिकुलरली यहाँ पे बात हो रही है हेलोजन्स की ठीक है तो हेलोजन को सिंपली यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है इसको कन्वर्ट किया जाता है सिल्वर हैलाइड में बस सिल्वर हैलाइड में हम इसको कन्वर्ट करते हैं ठीक है बाई ट्रीटिंग विद सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर सिल्वर हैलॉइड बन जाएगा तो बस इसका मास जो है सिल्वर हैलाइड का वो हम नोट डाउन करते हैं इसका मास कितना होगा एंड द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर निकाला जाता है परसेंटेज तो कैसे निकाला जाता है यहां पे दिया गया परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आपको निकालना है तो देखो क्लोरीन का मास कितना है मास ऑफ क्लोरीन थर्टी और ये है वन uh, फोर्टी जो है इट इज द मास यहां पर बनेगा सिल्वर हैलाइट ठीक है और उसके बाद एक्स जो है एक्स जो है इसका मास कितना है ये इसका मोलर मास है AgCl का मोलर मास जो है दैट्स 143.5 जो यहाँ पे लिखा गया है एक्स क्या है यहाँ पे एक्स इज द मास ऑफ AgCl फॉर्मड है ना जो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनेगा इसका कितना मास बनेगा वो x है आपका यहाँ पे और उसके बाद जो m है m यहाँ पे क्या है m इज़ द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑलरेडी आपने देखा सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन आप निकाल सकते हैं ना ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 होता है तो यहाँ पे जो ए जी बर है ए जी बी आर जो यहाँ पे बनेगा ए जी बी आर उसका मोलर मास ये है 188 और x विल बी द वट x विल बी द मास ऑफ़ ए जी बी आर फॉर्मट है ना सेम रहेगा बस इसको आप नोट डाउन करेंगे सिमिलरली परसेंटेज ऑफ आयोडीन आप निकाल सकते हैं आयोडीन का एटॉमिक मास वन और सिल्वर आयोडाइड का मोलर मास आपका होता है कितना टू थर्टी फाइव और उसके बाद एक्स विल बी द सेम दैट इज़ द मास ऑफ ए जी आई फॉर्मद ठीक है ना और एम जो है इट्स द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऐसे आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं अगर यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे आ जाते हैं दैट्स राइट हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ठीक है यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं उनमें आपकी आपको बताना हाइब्रिडाइजेशन क्या है ठीक है एंड नंबर ऑफ सिगमा पाई बॉन्ड्स देखो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन जो है यहाँ पे दिए गए हैं देखो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है ठीक है देखो आपको पाई बॉन्ड्स बताने हैं देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है दूसरा दैट मीन्स थ्री पाई बॉन्ड्स है यहाँ पे सिंपल है थ्री पाई बॉन्ड्स है यहाँ पे ठीक है थ्री पाए बॉन्ड्स आप बताओ सिग्मा कितने होंगे आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं आप ये खुद काउंट करेंगे तो मैं लिखूँगा यहाँ पे थर्टीन सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे होंगे इसके अंदर आप ये काउंट करके मुझे बताना है. ठीक है अब नेक्स्ट जो है हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है कार्बन आइटमस का देखो ये कार्बन जो है इसने एक पाए बॉन्ड बनाया तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 सिंपल इसने भी एक पाई बॉन्ड बनाया है तो एस पी टू हाईब्रेडिशन होगी अब देखो इसने सभी सिंगल बॉन्ड बनाया है तो एस पी थ्री ऐसे आपको याद रखना होता है ठीक है इसने भी सिंगल बॉन्ड तो एस पी थ्री यहां पर इसने दो पाई बॉन्ड बनाए हैं तो एस पी हाईब्रेडिशन होगी यहां पर इस कार्बन ने भी दो पाई बॉन्ड बनाए तो इसकी भी एस पी होगी ऐसे आपको आना चाहिए देखो ये जो कार्बन है इसने यहां पर एक पाई बॉन्ड बनाया तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी टू होगी ना अब देखो ये जो कार्बन है इसकी एस पी होगी ये इंपॉर्टेंट रहेगा बताओ क्यों क्योंकि यहां से एक पाई बॉन्ड बनाया है दूसरा पाई बॉन्ड यहां से बनाया है जब भी दो पाई बॉन्ड कार्बन बनाएगा तो एस हाइब्रिडाइजेशन इसको आप ऐसे नो डाउन कर सकते हैं अगर कार्बन ने जीरो बॉन्ड बनाया है तो एस पी थ्री हाइब्रेडाइजेशन होती है अगर कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी एस पी टू अगर कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी एस पी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है अब देख लो यहां पर कितने बॉन्ड्स हैं इसके, इसके अंदर इसके अंदर इस कंपाउंड के अंदर दो बॉन्ड्स हैं सिग्मा कितने हैं आप काउंट करके मुझे बता सकते हैं फोर सिग्मा बॉन्ड्स इसके अंदर है ठीक है जैसे यहाँ पे वन टू उसके बाद दो हाइड्रोजन के साथ दो सिग्मा बॉन्ड दैट इज फोर ठीक है उसके बाद सी सिक्स साइड देखो बेंजीन है सिंपल है इसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं तीन बॉन्ड सिग्मा कितने होते हैं ट्वेल्व आपको काउंट कर करना आना चाहिए ठीक है नेक्स्ट मॉलिक्यूल अब देखो यहाँ पे बेंजीन के अंदर कोई भी कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है देखो यहाँ पे जो कार्बन है इसने पाई बॉन्ड बनाया है तो sp2 इसने इस कार्बन ने भी पाई बॉन्ड बनाया है तो sp2 ठीक है अब यहाँ पे कार्बन ये जो है इसने दो पाई बॉन्ड बनाया तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी इंपॉर्टेंट रहेगा ये एक्चुअली ऐसे है सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ना अगर ओपन करके लिखेंगे सी को तो ऐसे लिखेंगे ना तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन विल बी एस पी इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है अब इसके अंदर भी क्या है कितने पाए बॉन्ड है देखो आपको लग रहा होगा कि एक ही है एक नहीं है यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है ना मैंने दिखाया ना तो कितने हैं दो तीन देर थ्री पाए बॉन्ड्स इन दिस मॉलिक्यूल ठीक है और सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे सिक्स सिग्मा बॉन्ड्स आप ये काउंट कर सकते हैं ठीक है और मुझे बताएंगे एसीटोन है उसके बाद एसीटोन में एक ही पाए बॉन्ड है वहाँ यहाँ आप देख सकते हैं ना डबल बॉन्ड में एक पाए बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड के अंदर एक पाए बॉन्ड होता है और एक सिग्मा होता है तो यहाँ पे एक ही पाए है और सिग्मा यहाँ पे नाइन है ठीक है नाइन कैसे थ्री एन थ्री सिक्स सेवन एट नाइन नाइन ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा दट इज क्वेश्चन नंबर अलेवन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आई यू पी एसी नैम देखो पहले पूछा जाता था वन मार्क क्वेश्चन ठीक है वन मार्क क्वेश्चन पर अब पूछा जाता है फाइव मार्क क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए इसको आप प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर अलेवन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाएगा यहाँ पे कुछ ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मैंने दिए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखो जैसे आपका पार्ट वन है यहाँ पे पार्ट वन जो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका आई पी नाम देना है तो देखो ये यह कम्प्लेक्स यहाँ पर सबस्टिचुन है आपको चैन सेलेक्ट करनी होती है तो देखो चैन जब भी आप सेलेक्ट करेंगे चैन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें मैगजिमम नंबर ऑफ काबन आइटम्स हों ज़्यादा उसके अंदर ब्रांच्स होने चाहिए देखो अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे लेट्स फ़ॉर एग्जाम्पल ये जो स्ट्रीट चैन है इसमें कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब देखो नेक्स्ट चैन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसमें भी टेन है और ये जो ये वाली चैन है इसमें भी टेन है अब किसको हम सेलेक्ट करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कौन सी चैन मैंने सेलेक्ट की मैंने ये वाली चैन जो है सेलेक्ट की बताओ क्यों ये चैन सेलेक्ट की मैंने क्योंकि ये इसमें भी दस कार्बन थे पर इसमें ब्रांचेज ज़्यादा है एक ब्रांच यहाँ पे है और यहाँ पे दो मिथाइल है ठीक है जिसमें ब्रांचेज ज़्यादा वही चैन सेलेक्ट करनी होते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसको आप नो no डाउन करेंगे अदरवाइज़ ये आपका गलत होगा ठीक है अब देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे तो यहाँ पर सिंपली लोवेस्ट लोकन्ट रूल है ना लोवेस्ट लोकन्ट रूल एल एल और इसको आप याद रखेंगे तो यहाँ से सिंपली आप नंबरिंग करेंगे है ना किससे से यहाँ से इस कार्बन से वन उसके बाद टू थ्री फोर एंड फाइव ठीक है उसके बाद सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ये आपका टेन होगा ठीक है अब देखो फाइव पे एक कम्प्लेक्स सबस्टैंड है तो इसकी सेपरेट नंबरिंग हो गया है ना वन टू थ्री एंड फोर अब देखो थ्री पे है आ, दो मिथाइल और फाइव पे है ये कम्प्लेक्स सबस्टैंड पहले इसी का नाम देंगे देखो फाइव पे क्या है फाइव पे आपका है टू टू पे इथाइल है और ये पूरा ब्यूटाइल है मतलब इसको लिखेंगे टू इथाइल ब्यूटाइल मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका जो नाम आ जाएगा इट विल बी जस्ट लाइक दिस पहले फाइव है ना फाइव पे कम्प्लेक्स सब्सेंट है तो पैरंथसिस में लिखेंगे इसको ठीक है उसके बाद यहाँ पे टू है टू पे इथाइल है तो मैं लिखूंगा टू इथाइल और उसके बाद ब्यूटाइल है ये पूरा टू इथाइल ब्यूटाइल है ना और उसके बाद इसको क्लोज करेंगे पैरंथसिस अब देखो थ्री कार्बन नंबर पर दो मिथाइल है दैट मीन्स थ्री कामा थ्री डाई मिथाइल है ना थ्री कामा थ्री डाई मिथाइल और उसके बाद ये आपका है डकैन ठीक है ना टेन कार्बन डेकैन नेक्स्ट पे आ जाता है देखो ये है साइकिलिक कंपाउंड है ये ठीक है साइकिल आल्कैन है पर यहाँ पे ये मिथाइल है और यहाँ पे ये आपका प्रोपाइल है तो कैसे यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे तो सिंपल है आ, हम यहाँ पे काम करेंगे जो आपका मिथाइल जो है ये भी सबस्ट है और प्रोपाइल भी सबस है ना एम से स्टार्ट होता है और ये पी से तो कहाँ से जहाँ पे आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे हम है ना एम पहले आता है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री ठीक है उसके बाद फोर फाइव एंड सिक्स तो दैट मीन सिंपली आप यहाँ पे नोट no डाउन करेंगे दैट इट इज़ जस्ट यूअर अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे इसको वन मिथाइल है ना पहले आप लिखेंगे वन मिथाइल उसके बाद आप लिखेंगे थ्री प्रोपाइल थ्री प्रोपाइल और उसके बाद आप लिखेंगे इसको साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन तो इंपॉर्टेंट रहेगा आना चाहिए नेक्स्ट जो है देखो यहाँ पे तीन कार्बन है वन टू एंड थ्री इसमें तीन फंक्शनल ग्रुप्स है और सिमिलर है तो इसको सिंपली हम पहले अल्कैन का नाम देते हैं यहाँ पे प्रोपेन है ये उसके बाद वन का मा टू का मा थ्री ट्राईल है ना ऐसे ये आना चाहिए आपका गलाइस्ट्रॉल है हर एक को आना चाहिए गलाइस्ट्रॉल का आई पी सी उसके बाद नेक्स्ट जो है देखो दो कार्बन है यहाँ पे तो इसका भी नाम ऐसे लिखेंगे दो कार्बन अल्कैन इथेन होता है इथेन वन कामा टू डाई अल अलडहाइड है ना उसके बाद यहाँ पे इसका नाम क्या लिखेंगे ये भी है इथेन वन का

ब्यूटा उसके बाद वन कामा थ्री डाई इन अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये था कि यहाँ पे ए जो है रिटर्न होगा क्योंकि आगे कॉन्सोनेंट है डी है ना ब्यूटा वन कामा थ्री डाई इन अब देखो यहाँ पे कैसे आप इसकी नंबरिंग करेंगे ये इम्पोर्टेंट है डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल uh, बॉन्ड भी है तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जाती है जब इक्वालेंट पोजिशन पर होंगे तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है सो वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो अब इसका नाम कैसे देंगे हम पाँच है ठीक है ना पाँच है यहाँ पे कार्बन एटम्स राइट फाइव कार्बन एटम्स तो क्या लिखेंगे इसको पेंट लिखेंगे ना पहले है ना वर्ड रूट जो है दैट इज़ पेंट उसके बाद देख लो पहले क्या लिखेंगे पेंट वन इन और उसके बाद फोर आइन ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ई e नहीं लिखेंगे पूरा ई एन ई यहाँ पे नहीं लिखेंगे ई e जो है उसको ओमिट करेंगे क्यों क्योंकि आगे वाई जो है इसको भी वावल हम लेते हैं ठीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ए ई आई ओ यू एंड वाई इसको नोट no डाउन करेंगे ऑलरेडी मैंने बताया है ठीक तो है तो इंपॉर्टेंट रहेगा इसका नाम ठीक है नेक्स्ट देख लो यहाँ पर ये दिया गया है देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ठीक है और ये जो आप है ये एक्ट करेगा कीटोन जो है एक्ट करेगा एज यूअर तो इसका जो नाम होगा यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से ही होगी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से सो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो दैट मीन्स इट विल बी फाइव उसके बाद इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिफिक्स ऑक्जो है ना फाइव ऑक्जो उसके बाद हैगजेनोइ एसिड है ना हैगजेनोइ एसिड हैग्जेनोइक एसिड ठीक है आप ये खुद लिख सकते हैं नेक्स्ट जो है देखो ये कंपाउंड जो है यहाँ पे नाइट्रो है क्लोरो है मिथाइल तीनों सबस्टिचेंड है नंबरिंग कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है ठीक है ना क्या यहाँ पे भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे देखो नाइट्रो का एन है क्लोरीन का सी है क्लोरो मिथाइल का एम है तो क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करेंगे अगर किया तो ये गलत हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से आप नंबरिंग करेंगे ऐसे वन टू थ्री एंड फोर ऐसे क्यों नंबरिंग की बिकॉज लोवेस्ट लोकन रूल इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है तो अब आप इजिली इसका नाम दे सकते हैं क्या नाम आ जाएगा पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है तो दैट मीन्स पहले आप लिखेंगे टू क्लोरो उसके बाद आप लिखेंगे वन मिथाइल है ना वन मीथाइल और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे फोर नाइट्रो है ना उसके बाद आ जाएगा बेंजीन फोर नाइट्रो बेंजीन आप ये खुद लिख सकते हैं अब आ, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये देखो आ, दो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है और नंबरिंग आप किसी भी साइड कर सकते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो ये जो है दिस इज योअर जस्ट यूअर पेन टन टू का है ना या वन क्योंकि कीटोन के लिए हम वन यूज़ करते हैं ठीक है एज सुफिक्स तो ये आ जाएगा टू कामा फो डायून अब देखो नेक्स्ट जो है एमाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखो नाइट्रोजन पे मिथाइल भी है और इथाइल भी है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे पहले लिखेंगे एन इथाइल और उसके बाद लिखेंगे एन मिथाइल ठीक है और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे देखो ये मिथाइल है यहाँ पे और ये आपका था इथाइल और ये मैन चेन है क्योंकि इसके अंदर तीन कार्बन है तो दैट मीन्स इट्स प्रोपन एमाइन इट इज़ प्रोपन अमाइन तो ये आपको आना चाहिए अमाइनस का नाम देखो एम अमाइनस इंपॉर्टेंट रहेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है देखो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे लिखा होता कि है कि नाइट्रोजन है यहाँ पे दो मिथाइल है तब आप कैसे इसका नाम लिखेंगे तब आप लिखेंगे एन कामा एन डाई मिथाइल है ना एन कामा एन डाई मिथाइल और उसके बाद मैन चैन में दो ही कार्बन है तो दैट्स योर इथन अमाइन ठीक है इथन अमाइन इथैन पूरा नहीं लिखेंगे ई यहाँ पे ओमिट होगा क्योंकि ई वॉवल है ना आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट अगर आपको किसी वक्त ये पूछा जाता है सी एच थ्री सी एच टू सी एन है ना तो यहाँ पे किसी वक्त आपको कन्फ्यूजन होता है क्या इस फंक्शनल ग्रुप के काबन को काउंट करना है तो डेफिनेटली काउंट करना है तो ये जो आपका होगा दिस विल बी योर प्रोपन प्रोपैन नाइट्राइल देखो यहाँ पे ई जो है आप लिखेंगे क्योंकि आगे नाइट्राइल है ना नाइट्राइल का एन कॉन्सोनेंट है तो इस ई को आप रिटर्न करेंगे इट्स प्रोपैन नाइट्राइल तो ऐसे आपको आना चाहिए आई पी सी नैम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है तो आई होप कि हमने पूरा डिस्कस किया तो इसके बाहर आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बाहर तो आप इतना ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो इससे आपके अलेवन मार्क्स जो है वो आप इजीली ऑप्टेन कर सकते हैं विश यू ऑल द वे बेस्ट हैव अ नाइस डे हैड